देश में लगातार तीसरे दिन कोरोना के 9000 से ज्यादा मामले आए सामने। पीड़ितों की संख्या 2,36,000 के पार। अब तक 6,600 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 139 लोगों की मौत। राजस्थान में कोरोना की आयुर्वेदिक दवा का क्लिनिकल ट्रायल शुरू। रामगंज में 12,000 लोगों पर की जा रही है टेस्टिंग। क्लिनिकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ली जा रही है मदद। सन फार्मा ने शुरू किया पौधों पर आधारित दवा का कोरोना के इलाज के लिए परीक्षण। अक्टूबर तक सामने आ सकते हैं दूसरे चरण के नतीजे। पौधे पर आधारित सीपा दवा सभी 4 डेंगू वायरस के खिलाफ है कुदरती औषधि। अनलॉक 1 में सरकार के धार्मिक स्थान और मॉल खोलने को स्वास्थ्य विशेषज्ञ बता रहे हैं जल्दबाजी। जरूरत पड़ी तो दोबारा भी लगाया जा सकता है लॉकडाउन। एक हफ्ते में सामने आए करीब 61,000 मामले। पूर्व लद्दाख में तनातनी के बीच भारत चीन सैन्य कमांडरों की अहम मीटिंग आज। कूटनीतिक स्तर पर शांति पहल की कोशिश। बैठक से पहले भारत चीन डिप्लोमेट्स के बीच हुई बातचीत। केंद्र सरकार की नीतियों से ट्रेड यूनियन में नाराजगी। 3 जुलाई को करेंगे देशव्यापी प्रदर्शन। श्रमिक नीतियों के खिलाफ करेंगे आवाज बुलंद। बीजेपी नेता मेनका गांधी के खिलाफ मल्लपुरम में FIR दर्ज। हथनी की मौत पर दिया था बयान। धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का आरोप। अधिकारी की चप्पल और थप्पड़ों से पिटाई कर फंसी बीजेपी नेता और टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट। पुलिस ने दर्ज किया केस। CM मनोहर लाल खट्टर ने तलब की रिपोर्ट। हिसार की बालसमंद मंडी में मंडी सचिव की पिटाई का मामला। हज यात्रा रद्द करने वाले तीर्थयात्रियों को दिया जाएगा पूरा रिफंड। हज कमेटी ऑफ इंडिया का फैसला। सऊदी के अधिकारियों से नहीं हुई कोई बातचीत। इस बार डिजिटल मंच पर मनाया जाएगा योग दिवस। योगा एट होम और योगा विद फैमिली रखी गई है थीम। 21 जून को सुबह 7 बजे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिरकत कर सकेंगे लोग। दुनिया भर में जारी है कोरोना वायरस का सितम। 4,00,000 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। 68,44,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। फिजी ने खुद को घोषित किया कोरोना मुक्त देश। फिजी में 18 लोगों की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। सभी के ठीक होने के बाद कोरोना फ्री हुआ फिजी। अमेरिका में 10 दिन बाद जॉर्ज फ्लॉयड को श्रद्धांजलि देने उमड़े लोग। अंतिम संस्कार में कई नामचीन हस्तियों के साथ हजारों लोग हुए शामिल। हिंसा प्रभावित कैलिफोर्निया, लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को के कई हिस्सों से हटा कर्फ्यू। पाकिस्तान के पूर्व गृह मंत्री रहमान मलिक पर अमेरिका महिला के सनसनीखेज आरोप। कहा साल 2011 में मलिक ने किया था दुष्कर्म। पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन पर भी लगाए गंभीर आरोप। अमेरिका ने बदला अपना फैसला। सीमित संख्या में चीनी विमानों को देगा एंट्री। पहले ट्रंप प्रशासन ने किया था चीन से आने वाले सभी विमानों पर पाबंदी लगाने का ऐलान। 20,00,000 करोड़ के ऐलान के बाद बैठ नहीं सकती सरकार। RBI के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बयान। कहा सरकार को करनी होगी गरीबों और जरूरतमंदों की मदद। कोरोना के कारण भारत में करीब 1,20,00,000 लोगों के सामने भुखमरी का खतरा। CSE के स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरमेंट इन फिगर्स 2020 की रिपोर्ट में खुलासा। दुनिया में 26.5 करोड़ लोगों के सामने होगी खाने की परेशानी। किरण मजूमदार को मिला शॉ EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर सम्मान। पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला उद्यमी बनी। बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष है मजूमदार। अनलॉक 1 के दौरान पटरी पर लौटने लगा स्टील उद्योग। 90% प्लांट शुरू। फिलहाल 50% क्षमता के साथ हो रहा है काम। टाटा ग्रुप के पास पर्याप्त मात्रा में कैश उपलब्ध। टाटा संस के चेयरमैन N. चंद्रशेखरन का बयान। कहा निवेश के लिए मौद्रीकरण की कोई योजना नहीं।